Hello friends, welcome to my channel Study with Kartik. Today we will study science changes around us. Let's continue from the previous video. Reversible changes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे reversible changes और irreversible changes के बारे में. They are the changes in which we can get back the original substance by changing the conditions. तो reversible changes ऐसे changes होते हैं जिसमें हम लोग को original substance फिर से मिल सकता है conditions change करने पर. जैसे कि melting of butter हो गया, तो जब butter melt होता है यानी कि हम लोग जब उसे गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, और अगर हम लोग उसे फिर से कूल कर दे यानी कि हम लोग उसे फ्रीजर में रख दे तो वो फिर से अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. तो ये इसमें हम लोग को वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस मिल रहा है. पेपर, अगर हम लोग पेपर को फोल्ड कर दे, मान लेते कि हम लोग पेपर को एक पेपर बोट बना लेते हैं, तो हम लोग उसे फिर से एक नॉर्मल पेपर में अनफोल्ड कर सकते हैं, तो फिर वो पेपर मोड तो जाएगा लेकिन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, इसलिए पेपर भी एक हो गया. लेकिन अगर हम लोग पेपर को फाड़ दें तो वह हो गया एक इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि हम लोग फिर पेपर को ऐसे जोड़ नहीं सकते. अब हो गया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. तो रबर बैंड को अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा अगर हम लोग उसे छोड़ दें. अब हम लोग पढ़ते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में. दे आर द चेंजेस इन विच वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. इरिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हम लोग को ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिल सकता. रिवर्सिबल चेंजेस का उल्टा, जैसे कि पेपर को अगर हम लोग जला दें तो हम लोग को स्मोक और ऐश मिलेगा, पर हम लोग को वापस से वही पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए हो गया एक इरिवर्सिबल चेंज. और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो फिर से कच्चे तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए हो गए इरिवर्सिबल चेंजेस. और जब एक बेबी एडल्ट में ग्रो करता है तो ये भी हो गए एक इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि अगर हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो फिर से हम लोग बेबी तो नहीं बन जाएंगे, इसलिए हो गया एक इरिवर्सिबल चेंज. सो विल स्टडी मोर अबाउट चेंजेस अराउंड अस इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.